पिथौरागढ़ से समाचार। सीमांत में आफत की बारिश से जनजीवन प्रभावित। पिथौरागढ़ सीमांत जनपद में आफत की बारिश रुक रुक कर हो रही है। बारिश के चलते मार्ग खोलने का कार्य तो प्रभावित हो ही रहा है, साथ ही कई स्थानों पर लगातार मलबा व बोल्डर भी आ रहे हैं। बारिश से नदियों का जलस्तर भी बढ़ गया है। जौलजीबी मुंशारी मार्ग में नदी का जलस्तर बढ़ने से नदी का पानी सड़क में बह रहा है। धारचूला में काली नदी का जलस्तर भी बढ़ गया है। बीते मंगलवार से बंद हुई रोड शुक्रवार सुबह तक नहीं खुल पाई। मार्ग खुलने के लिए प्रयास जारी हैं। शुक्रवार को दोपहर बाद मार्ग खुलने की संभावना जताई जा रही है। ऑल वेदर रोड बंद होने के कारण जनपद का सड़क संपर्क कट चुका है। मार्ग में दर्जनों वाहन फंसे हैं, जिनमें गैस सहित अन्य आवश्यक सामान के वाहन भी शामिल हैं। जनपद के कई स्थानों में सड़क कीचड़ से पटी हुई है, जिनमें वाहन फंस रहे हैं। इधर जौलजीबी मुंशारी मार्ग में बगीचा बगड़ के पास कीचड़ युक्त सड़क होने के कारण मार्ग में वाहन फंस गए हैं। जनपद में शुक्रवार की सुबह पिथौरागढ़ थल मोटर मार्ग कमतोली के पास बंद है। तवाघाट खटियाबगड़ किमतोला गस्कू तवाघाट लामाधार सहित कुछ अन्य ग्रामीण मार्गों में मलबा आने के कारण बंद हैं। आपदा कंट्रोल रूम से मिली जानकारी के अनुसार पिथौरागढ़ में 27 mm, गंगोलीआट में 17 mm, बेरीनाग में 20.7 mm, डीडीआट में 9.5 mm, धारचूला में 35.8 mm, मुंशियारी में 32.4 mm बारिश हुई है। बारिश के कारण नदियों के जलस्तर में भी वृद्धि हो गई है। शुक्रवार की सुबह से ऑल वेदर रोड में मार्ग खोलने का काम शुरू हो गया है। दोपहर बाद मार्ग खुलने की संभावना जताई जा रही है। सीमांत में बारिश के कारण नदियों के जलस्तर में वृद्धि हो गई है। नदियों के जलस्तर में वृद्धि होने के कारण मुंशियारी जौलजीबी क्षेत्र में लुमती के पास नदी का पानी सड़क में बह रहा है, जिससे दर्जनों वाहन व यात्री फंसे हुए हैं।